तो मैं हूं आपका देव और अपने YouTube चैनल दी व्लॉग वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आ चुके हैं मिनी गोवा, जो कि पठानकोट के पास में एक बहुत बढ़िया जगह है पिकनिक मनाने के लिए। तो आज हम पिकनिक मनाने के लिए यहां पे सेलिब्रेट करने के लिए ही आए थे, क्योंकि संडे वाले दिन यहां पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। तो लेकिन यहाँ का नज़ारा देख के तो कुछ और ही सीन क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब जैसे कि देख रहे हैं हम जिस पहाड़ के ऊपर खड़े हैं ना, ये 2 मंजिल ऊपर है, पानी इसके 2-3 मंजिल नीचे होता है। तो अब उस पहाड़ के बराबर में बिल्कुल पानी खड़ा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है हिमाचल वगैरह में काफ़ी फ्लड वगैरह आए हुए हैं इन दिनों में। तो जितनी भी नदी नाले हैं हिमाचल के साथ जो लिंक में है, तो वो सारे अभी भरे हुए हैं। तो इन्होंने जो आगे रणजीत सागर डैम है, तो वहाँ पे पानी इन्होंने रोक के रखा, आगे ये छोड़ नहीं रहे। तो डैम से पीछे का ये जितना भी पानी इकट्ठा हुआ वो सारा यहाँ पे जो मिनी गोवा के पास में इकट्ठा हो गया। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं वो काफ़ी टॉप वाला हिस्सा जो वो बचा है, तो बाकी तकरीबन सारा कुछ डूब चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी काट वगैरह लगती थी खाने पीने की, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान वगैरह लगता है और कुछ एक्टिविटी वगैरह सारी होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे, तो आपके सामने सिर्फ ये पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो ये कुछ एरिया ही बचा, ये पार्किंग वाला एरिया है जहाँ पे गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह पार्क होती है, तो सिर्फ वही वाला एरिया बचा हुआ है थोड़ा बहुत। तो आगे जो जाने का रास्ता दूसरी साइड पर जहाँ से हमारी एग्ज़िट होती थी, एक साइड से हम एंट्री करते थे, दूसरी साइड पर ये एग्ज़िट होती थी, तो वहाँ पर भी रास्ते में पानी आ चुका है। मतलब आप एक रास्ते से अगर जाओगे तो दूसरी साइड पे आप क्रॉस नहीं कर सकते, जैसे कि पहले आप क्रॉस करके दूसरे रास्ते से आप एग्ज़िट कर लेते थे, तो वो वाला सिस्टम तो अभी कुछ भी है नहीं। तो ये देखिए आपको चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आएगा, और यहाँ पे आगे जाने भी नहीं देते, इन्होंने गार्ड वगैरह खड़ा किया हुआ, वो आगे जाने भी नहीं देता। तो सिर्फ जहाँ से आपने एंट्री की है आप वहीं पर ही खड़े रहेंगे, तो उससे आगे की आपको अनुमति नहीं है सरकार की तरफ से, तो उन्होंने वहाँ पर गार्ड तैनात किया हुआ। तो अभी जो पिकनिक मनाने का यहाँ पे सोच रहे हैं कि मिनी गोवा चलते हैं घूमने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा बेटर है कि आप किसी और साइड पे जाके पिकनिक वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं।